हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, हम चाहे मुर्गी पालन करते हों, बतख पालन करते हों, बकरी पालन करते हों, चाहे कोई भी फार्मिंग करते हों, उसमें जो दवा लगता है उसका उपयोग हमें किस तरह से करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या सावधानी और क्या क्या नियम होता है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, दवा को किस तरह से उपयोग करना है, कैसे उसका रखरखाव करना है, इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम इन चीज़ों का सावधानी नहीं रखेंगे तो दवा का जो रिजल्ट है वो हमें सही नहीं मिल पाएगा। इसलिए दवा के बारे में पूरी जानकारी तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ जो छोटी छोटी सावधानियां हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले कोई भी दवा हो उसे आप एक्सपायरी डेट देखकर ही लें। एक्सपायरी दवा कोई काम का नहीं होता है, वह आपके मुर्गियों को नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए जब भी आप मेडिकल जाते हैं तो सबसे पहले दवा का एक्सपायरी डेट देख लें। बहुत से साथियों को मेडिकल वाले यह कह करके ठग लेते हैं कि अभी इसका एक्सपायरी डेट बचा हुआ है, यानी कि नियर एक्सपायरी का जो दवा होता है, एक दो महीना बाद जिसका एक्सपायरी डेट आने वाला होता है, उस दवा को दे देते हैं। तो दोस्तों, नियर एक्सपायरी वाले की दवा को भी आपको नहीं लेना है, उसका भी गुणवत्ता कम हो जाए रहता है। साथियों, अगला है, कोई भी मेडिसिन को आपको गर्म जगह पर नहीं रखना है, यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर आपको कोई भी दवा नहीं रखना है। इससे भी दवा के गुणवत्ता में कमी आती है या तो वो ख़राब भी हो सकता है। बहुत से किसान साथी अपने फार्म के अंदर में सेट के ऊपर, जैसे कि जो एस्बेस्टस का जो होता है, एस्बेस्टस सीट होता है, उसके ऊपर जो लोहार लगा होता है उसमें दबा करके रख दिए रहते हैं, तो उस जगह पर आपको नहीं रखना है। आपको देखना है कि आपके सेट के अंदर में जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला जगह है या तो सबसे ठंडा जगह है वहाँ पर रखना है। ठंड का मौसम है तो ठीक है, आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है वहाँ पर दवाइयों को न रखें। दोस्तों, तीसरे नंबर पे है, कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा हो उसको आपको डोज के हिसाब से ही देना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मुर्गियों को ज़्यादा डोज दे रहे हैं तो वो जल्दी काम करेगा, इससे आपके मुर्गियों को नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, कई किसान साथी जैसे टेट्रासाइक्लिन हो, लिक्सन पाउडर हो, या तो फिर विमराल या कोई अन्य मल्टीविटामिन हो, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं, तो इससे जो मुर्गी का शरीर है वो उसे पचा नहीं पाता है और उसको पतला दस्त हो जाता है, खास करके मल्टीविटामिन या बी कॉम्प्लेक्स वगैरह में पतला दस्त हो जाता है। तो ऐसा ना करें, जितना डोज होता है उतना ही दें। हर दवा के पैकेट के ऊपर डोज लिखा रहता है, उसको आप ज़रूर देख लें और उस हिसाब से अपने मुर्गियों को दवा दें। दोस्तों, नेक्स्ट है, कोई भी वैक्सीन लगाने से एक दिन पहले और वैक्सीन लगाने के एक दिन बाद आपको कोई भी दवा यूज नहीं करना है। अगर आपने वैक्सीन लगाया है और उसके बाद कोई भी एंटीबायोटिक या कोई अन्य दवा दे दिया तो वो वैक्सीन के जो असर है उसको जीरो कर देता है, यानी कि न्यूट्रल कर देता है। तो इसलिए आपको कोई भी मेडिसिन वैक्सीन देने के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक यूज नहीं करना है। दोस्तों, अगला है, कोई भी एंटीबायोटिक अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में हमें मल्टीविटामिन या लीवर टॉनिक देना ज़रूरी है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक होता है वो मुर्गियों के लीवर को बहुत बुरा असर डालता है और वो मुर्गी के शरीर के लिए सही नहीं होता है, इसलिए उसके साथ में मल्टीविटामिन या लीवर टॉनिक देना ज़रूरी है। और अगर इन दोनों को हम एंटीबायोटिक के साथ में देते हैं तो एंटीबायोटिक जल्दी से काम करता है, यानी कि जो मुर्गी बीमार हुई है वो जल्दी से ठीक होती है। इसलिए अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में मल्टीविटामिन और लीवर टॉनिक में से एक को आपको चलाना ज़रूरी है। दोस्तों, मुर्गियों में या बतख में सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, सीआरडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, तो उस टाइम आपको हल्का क्वालिटी का एंटीबायोटिक नहीं चलाना है, वो कोई भी काम नहीं करेगा। जैसे कि लिक्सन या तो टेट्रासाइक्लिन है, वो बहुत ज़्यादा अगर सीआरडी बढ़ गया है तो काम नहीं करता है। इसके लिए आपको इंडोफ्लॉक्सासिन यूज करना चाहिए या तो कोई भी हाई एंटीबायोटिक है उसको आपको यूज करना है।
दोस्तों जो सिंपल एंटीबायोटिक होता है उसे प्रिकॉशन डोज के रूप में हम दे सकते हैं, यानी कि जैसे हमने चूजा लाया और उसे कोई भी बीमारी नहीं है, फिर भी हम जैसे कि 3 दिन लिक्सन को देते हैं या 3 दिन टेट्रासाइक्लिन को देते हैं, तो वैसे हम प्रिकॉशन के रूप में सिंपल जो एंटीबायोटिक है उसको दे सकते हैं। और हल्का फुल्का अगर सर्दी भी है तो टेट्रासाइक्लिन लिक्सन काम आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको हाई एंटीबायोटिक देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों लास्ट में एक चीज़ और, अगर आप कोई भी दवा यूज कर रहे हैं तो उसका कलर आप ज़रूर देख लें। आप देखेंगे कि कोई भी जो दवा है उसका कलर काला होता है, लाल होता है, पीला होता है या सफ़ेद होता है। तो अगर आपने उस दवा का उपयोग किया हुआ है, पहले से आपको मालूम है कि इसका कलर ये होता है और वो कलर आपको नहीं दिख रहा है, जैसे कि मान लिया जाए देख लें हम विमराल को, वो थोड़ा काला कलर का होता है, तो काला कलर आपको नहीं दिख रहा है, एकदम हल्का सा मटमैला या पीला कलर दिख रहा है, तो समझ लें कि उसमें कुछ खराबी आ चुका है। उसमें से आपको अलग सा स्मेल भी आएगा, जैसे आप टेट्रासाइक्लिन को देखेंगे तो वो पीला कलर का होता है, वो आपको एकदम फीका एकदम सफ़ेद कलर का दिखे तो समझ लीजिए कि वो सही नहीं है, उसका यूज आप ना करें, वो आपके मुर्गियों को फ़ायदा नहीं करेगा। यानी कि कलर एक बार आप ज़रूर देख लें, जो दवा जिस कलर में होता है उससे अलग कलर में आपको दिखता है, तो आप एक बार वेटनरी डॉक्टर को दिखाएं, या तो आपको अनुभव है तो उसका जो स्मेल होता है उसको एक बार चेक करें, उसके बाद ही मुर्गियों को आप दें। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं, और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पर आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।